जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। प्रियजनों, विश्वास करना कि प्रभु ये कहता है कि मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तुम सुख की और चैन की नींद सो सको। कैसी नींद? सुख की और चैन की नींद सो सको। ना जाने कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो चैन की नींद नहीं सो पाते, जो हमेशा हमेशा बेचैन रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। लेकिन प्रभु ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे देश में तुम्हारे घर में शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तुम चैन की नींद सो सको। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। इस वक्त आप लोग जो मेरे साथ YouTube पर ऑनलाइन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, ये वचन आपके लिए हैं। जो वेदी के सामने बैठे हैं, ये वचन आपके लिए हैं। प्रभु ये कहता है कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें शांति मिले, तुम मत डरो, तुम नहीं मरोगे। अगर आज कोई ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं बचूंगा, प्रभु कहता है तू विश्वास कर और मेरी महिमा देखेगा। मैं तुझे सांत्वना देता हूं, आशा प्रदान करता हूं, मत डर, तू नहीं मरेगा। हम जानते हैं हिजकिया के विषय में, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा हिजकिया बीमार पड़ा, उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, वो मरना नहीं चाहता था। उसने रो रो कर आंसू बहाकर दीवार की ओर मुंह करके घुटने टेक कर पुकार पुकार कर उसने प्रार्थना की। और वचन कहता है लोग तेरे पास आते हैं इसलिए क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो इसी तरह हिजकिया गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, आंसू बहाए और उसने अपनी जवानी के दिनों में किए गए अच्छे कामों को उसने परमेश्वर को याद दिलाया। परमेश्वर प्रसन्न हो गया, उसने यशायाह को वापस भेजा, जाओ उसे कहो कि वो नहीं मरेगा, मैं उसे 15 वर्ष का जीवन और प्रदान करता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज की संध्या आपसे वादा कर रहा है, द लॉर्ड इज प्रॉमिसिंग यू कि वो अपनी कृपा आप पर बनाए रखेगा, उसकी शांति आपके घर में सदा बनी रहेगी, आप नहीं मरेंगे। इसलिए आप विचलित ना हो, इन बातों पर विश्वास करना और आज आप महिमा देखेंगे। बोले आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में उद्धार लाएं, हर प्रकार की बुराई से मुझे आजाद कीजिए, सभी बंधनों से मुझे आजाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं मनन चिंतन कर रहा था कि प्रभु आज तेरी प्रजा के लिए, तेरे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपने इस दास के द्वारा इन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। और मैं यूं ही बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि मेरे बच्चों से कहना कि ये घबराएं नहीं, मुझ में विश्वास करें और ईश्वर में विश्वास करें। और मेरे उन बातों पर विश्वास करें और जो मैंने चमत्कार दिखाए हैं और जो मैंने काम किए हैं उन पर ये विश्वास करें। तो प्रियजनों,
विश्वास हमारे जीवन में एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, बाधा पर बाधा हम पार करने लगते हैं। अगर हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम एक के बाद एक सोपान पार करने लगते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि विश्वास ईश्वर का वरदान है। विश्वास क्या है? यह ईश्वर का वरदान है। हम किसी को जबरदस्ती यह विश्वास नहीं दे सकते। आप किसी को जबरदस्ती यह विश्वास नहीं दे सकते। किसी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती आप उसे यह नहीं कहते कि तुम इसमें विश्वास करो। बाइबल बताती है कि जब तक पिता उसे अपनी ओर आकर्षित ना करे तब तक वो विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वास ईश्वर की ओर से प्रदत्त वरदान है, आत्मा की ओर से दिया गया यह गिफ्ट है। और जिनको यह मिल जाता है और जो उसे धारण कर लेते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मेरे हृदय को। मेरे हृदय को। मेरी आँखों को। मेरी आँखों को। मेरी आत्मा को। मेरी आत्मा को। मेरे कानों को। मेरे कानों को। खोल दीजिए। खोल दीजिए। जिससे मैं विश्वास कर सकूं। जिससे मैं विश्वास कर सकूं। हालेलुया। 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 तो जब तक कोई अपनी विश्वास की आँखों को नहीं खोलेगा, जब तक अपने हृदय के द्वार को कोई नहीं खोलेगा, जब तक आप अपने इन कानों को नहीं खोलेंगे और वचन को आप नहीं सुनेंगे, तो आप में विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि वचन ये कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, परंतु क्या सुनने से? ईश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, दूसरी किसी बात से नहीं। और संत पौलुस कहता है जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। तो यीशु ने कहा जब तक पिता आकर्षित न करे कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। जब तक ईश्वर की ओर से यह वरदान आपको, आपके परिवार को, आपके बाप दादा को, आपके बच्चों को, नाती पोतों को, संतानों को, ये प्रभु अपनी ओर जब तक आकर्षित ना करे तब तक प्यारे भाइयों और बहनों कोई भी विश्वास करने में असमर्थ है। लेकिन परमेश्वर किस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है? कहता है वचन हम पढ़ते हैं कि जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी खोज में लगे रहते हैं, ऐसे आराधकों को पिता चाहता है और उनसे वो प्रसन्न होता है। और लाजमी सी बात है कि उन्हें वो अपनी ओर आकर्षित करता है और वह विश्वास के कृपा पात्र बन जाते हैं। इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर को अपनी धार्मिकता से प्रसन्न किया, अपने धर्म के कामों से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपने पुण्य के कामों से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और 75 वर्ष की अवस्था में ईश्वर ने इब्राहिम से एक वादा किया कि मैं तेरी संतति को इन तारों के समान असंख्य बना दूंगा। अगर तू आसमान में, इस आकाश में लगे तारों को गिन सकता है तो गिन, रेत के इन कणों को देख, मैं तेरी संतति को इतना महान बना दूंगा प्यारे भाइयों और बहनों कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ये उसने एक वादा किया, और उसने वादा किया कि वह उसे पुत्र प्रदान करेगा और उसका वंश आगे बढ़ेगा। और परमेश्वर अपने वादे का सच्चा था। इब्राहिम ने उसे प्रसन्न किया, ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। तो यीशु ने पेत्रुस से कहा, जब पेत्रुस ने जवाब दिया कि हम कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, आप ही तो हैं जीवंत
मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, सिमोन योनस के पुत्र, ये किसी निरे मनुष्य ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, परंतु ये विश्वास भरी बात मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है, तब तू ऐसा बोला है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे भी अंगीकार करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज की संध्या के समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो हमें सुना रहे हैं, जो हमारे वो जीवन में काम करना चाहते हैं, इसमें बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे। इसलिए कहना कि हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को संचालित कर, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को आलोकित कर, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशमान कर, जिससे कि मैं तेरी हजूरी में बैठकर तेरे वचन को मैं ग्रहण कर सकूं और मैं विश्वास कर सकूं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में कि शिष्यों ने कहा, गुरुवर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या बोला? हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या बोला? हमारे विश्वास को बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है कि हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है। वो स्थिर नहीं है, वो यथावत नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पत्थर के समान है जिसे हम घटा और बढ़ा सकते हैं। पत्थर तो एक चीज है प्यारे भाइयों और बहनों, वो चट्टान है जिसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारा विश्वास घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? यदि आप प्रार्थना में लीन रहेंगे, धर्म के कामों में आगे रहेंगे, पुण्य के कामों में आगे रहेंगे, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। और जब आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का स्तर बढ़ता जाएगा तो आप अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, या यूं कहें कि आपके अच्छे कामों के द्वारा ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। और जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा उतनी ही कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में बढ़ती जाएगी, मतलब विश्वास बढ़ने लग गया। वहीं दूसरी ओर यदि किसी परिवार में प्रार्थना का माहौल नहीं है, हर प्रकार के बुरे काम हैं, हर प्रकार के नशों से परिवार पीड़ित है, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े और बुरे कामों में फंसा हुआ है, दान पुण्य नहीं करता है, दशमांश नहीं देता है, चर्च नहीं जाता है, वचन नहीं पढ़ता है, वचन नहीं सुनता, तो क्या होगा? आपका विश्वास कमजोर होने लगेगा, आप गिरने लगेंगे, आप समाप्त तो होने लगेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी तो आप नष्ट होने लगेंगे और थोड़े समय के बाद आप अपने आप को अकेला, निराश, टूटा हुआ महसूस करेंगे और आपका विश्वास घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। विश्वास घटेगा तो ईश्वर की कृपा का स्तर भी क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। ये चुनाव आपके ऊपर है, ये चुनाव विश्वासियों को करना है कि किस प्रकार से मैं अपने विश्वास को घटा सकता हूं या बढ़ा सकता हूं, किस प्रकार से मेरे जीवन में ये काम हो सकते हैं कि मैं परमेश्वर की हजूरी में, उसकी कृपा में आगे बढ़ता जाऊं और अपने विश्वास में दृढ़ होता जाऊं। अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तो ईसा ने कहा कि मैं तुमसे कह देता हूं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो
और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उठ के समुद्र में लग जा, तो वो लग जाएगा। प्रभु ने एक छोटे से बीज का क्या दिया, उदाहरण दिया, राई का दाना। यीशु की शिक्षा में यही खासियत थी, उनकी भाषा शैली अलग ही थी। उस भाषा शैली में बड़ा आकर्षण था, उनके बोलने का लहजा, वार्तालाप करने का उनका जो तरीका था, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था। वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में से क्या करते थे, चीजें उठाते थे और उन चीजों के द्वारा लोगों को बताते थे, छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा उन्हें शिक्षा देते थे। अब देखिए, मेरे और आपके लिए राई का दाना एक मामूली सी चीज है, लेकिन जब वो प्रभु के शब्द कोश में आ गया, धर्मशास्त्र में जब उसका जिक्र हो गया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका महत्व बढ़ गया। उसका महत्व हम जान गए, पहचान गए। और यीशु ने राई के दाने का उदाहरण दिया और कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उठ के समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। अपने आप से पूछिए कि आपका विश्वास कितना बड़ा है, क्या राई के दाने के बराबर है? अगर है, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मैं विश्वास करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो सब बातों में विश्वास करता हूं, तो प्रभु कहता है कि चल फिर इस शहतूत के पेड़ से कह कि उठ के समुद्र में गिर जा, तो वो ऐसा हो जाएगा। राई के दाने की खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है? प्यारे भाइयों और बहनों, राई का दाना भले छोटा है लेकिन ठोस है। राई का दाना भले छोटा है लेकिन वो बहुत ठोस है, मजबूत है। दूसरी विशेषता, दाना छोटा होने के बावजूद जब वो उसमें से अंकुर फूटता है और पौधा बनता है, तो उसकी डालियों पर आकर चिड़ियां बसेरा करती हैं। और इतना ही नहीं, मजदूर को, प्यारे भाइयों और बहनों, वो छाया देने का भी काम करता है। भरी दोपहरी में मजदूर उसकी आड़ में बैठकर क्या लेता है, छाया भी प्राप्त करता है। देखिए कितनी खासियत है। इतना ही नहीं, यदि आप राई के दाने को पीसेंगे मिल में, तो उसमें से तेल निकलता है, और वो तेल, प्यारे भाइयों और बहनों, गुणों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर पर लगाने के लिए, खाने के लिए और अनेक प्रकार की औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी खासियत है। और अगर उसकी खासियत ढूंढते रहेंगे, तो आप, प्यारे भाइयों और बहनों, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने इस छोटे से राई के दाने का दृष्टांत दिया और उन्हें उदाहरण के द्वारा उन्हें समझाया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, सियोन पर्वत के सदृश हैं, सियोन पर्वत के सदृश जो अटल है, जो अटल है और सदा बना रहता है, और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, तो ईश्वर की महिमा देखोगे, तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय सात पद संख्या नौ, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं, तो तुम निश्चय ही, तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे, विचलित हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा विश्वास भी, प्यारे भाई, प्यारी बहन, राई के दाने के बराबर होने की आवश्यकता है। राई के दाने के बराबर मतलब, अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी है, तो वो मजबूत हो, वो ठोस हो, दृढ़ चट्टान के ऊपर बना हुआ घर, जिसकी नींव गहरी और मजबूत जगह पर डाली गई है, ऐसा मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे कि फादर जी, हम कौन सी बातों पर विश्वास करें, हम किन बातों पर विश्वास करें? तो प्रभु का वचन ये कहता है कि हे इज़राइल, सुन,
तेरा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, तू उस पर श्रद्धा रख, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से उस पर श्रद्धा रख और उसे प्यार कर। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर एकमात्र ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं उसके सिवा। विश्वासियों को ये विश्वास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हर एक विश्वासी को ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि आपका ईश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कोई काल्पनिक घटना का पात्र नहीं है, वो कोई काल्पनिक घटना का पात्र नहीं, किसी कहानी का पात्र नहीं है, परंतु वह जीवित परमेश्वर है जो राज्य करता है, जो सुन सकता है, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, जो महसूस कर सकता है। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, इब्राहिम और याकूब और इसहाक का परमेश्वर जो हमारे पूर्वज हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसके जैसे ना तो आज तक कोई हुआ ना कोई होगा, उसके जैसे ना तो आज तक कोई बोला और ना ही कोई बोल सकता है। इसलिए विश्वासियों को, मसीहों को सबसे पहले इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता ईश्वर, मुझे इन तमाम बातों को ग्रहण करने और इनमें दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम बार बार बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने नबियों को चुना, वो लोग किसी ना किसी प्रकार से कमजोर थे, कोई तोतला था तो कोई बोल नहीं सकता था, प्रवचन नहीं कर सकता था, तो किसी को डर लगता था, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मूसा ने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, उसने कहा नहीं तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। सबसे बड़ी बात विश्वासियों के लिए विश्वास करने के योग्य ये है, परमेश्वर का वचन, डर मत मैं तेरे साथ हूं, डर मत मैं तेरे साथ हूं। याद कीजिए जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, जाओ और मिस्र की गुलामी से, राजा फिराउन की गुलामी से मेरी इस प्रजा को क्या करके लाओ, रिहा करके लाओ, आजाद करके लेके आओ, तो उसने कहा मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि तूने मुझे भेजा है, वो कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे। उसने कहा तू डर मत मैं तेरे साथ हूं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, मैं नहीं डरूंगा बस मैं विश्वास करूंगा। आज की रात्रि प्रिय भाई प्यारी बहन, पहली बार अगर कोई ये वचन सुनने के लिए आया है या ये वचन सुन रहा है, विश्वास करना, आज ही आपका सारा बंधन टूट जाएगा। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करना, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना और वो आपके जीवन में आपको आशीष प्रदान कर सारे बंधनों से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से आपको आजाद करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कदी कभी ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, 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 मैं विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा।
करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु मेरी जिंदगी, कभी ना मरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी, कभी ना मरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। तो सबसे पहली बात विश्वास ये करना है कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है, जीवितों का ईश्वर है, जो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। और जिसने पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए, ये सबसे पहली बात विश्वास करना। दूसरी बात हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, वो है, वो इस संसार को चलाता है। तीसरी बात हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु को माता मरियम के गर्भ में उतारा और वो इंसान बनकर इस धरती पर आकर हमारे बीच में रहा और उसने कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, क्रूस पर उसने अपने प्राण निछावर कर दिए और अपने शरीर से अपने रक्त की एक एक बूंद उसने बहा दी, जिससे कि आप और मैं चैन की नींद सो सके, आप और मैं शांति में रह सकें, आप और मैं स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। चौथी बात हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम के गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय उसने दुख भोगा, उसने कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ाया गया, 3 घंटे से ज्यादा वो मृत्यु और जीवन के बीच में वो लटकता रहा, अपराधियों को उसने क्षमा किया, वो मर गया, गाड़ा गया, दफनाया गया और पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, रोमियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। ये मुझे और आपको विश्वास करने की आवश्यकता। कैसे विश्वास करेंगे? बाइबल हमें बताती कि मुख से अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना कि ईसा मसीह ही प्रभु है, क्योंकि पिता ईश्वर ने फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि उसे इस धरती पर, संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ नाम उसने किसको दिया है? ईसा मसीह को दिया। उसका नाम सुनकर सारी जातियां, सारे लोग उसके सामने घुटना टेकें और हर एक जुबान बोले कि ईसा ही प्रभु है, बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप एकमात्र ईश्वर हैं, आप एकमात्र ईश्वर, जीवित परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। छठवीं बात, विश्वासियों को ये विश्वास करना है कि ईश्वर आपके साथ है। याद कीजिए मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 पद संख्या 20 में कि जाते जाते प्रभु ने कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर ने जिन्हें बुलाया उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने नबियों को चुना, उनसे कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं
पिता से निवेदन करूंगा और वो एक सहायक भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें हर बदी से बचाएगा। तुम्हें कोर्ट कचहरियों में जाते समय सोचने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हारे मुख पर शब्द रखे जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके ये वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है, इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं कि विश्वास ही के कारण इब्राहिम जो था वो धर्मी माना गया, विश्वास ही के कारण नूह को बचा लिया गया, विश्वास ही के कारण हनोक जो था इस पृथ्वी से शरीर समेत जो था वो ऊपर उठा लिया गया। ये विश्वास के कारण ही हुआ, ऐसा अन्यथा उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, केवल वे परमेश्वर में विश्वास करने में सिद्ध थे, दृढ़ थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ये वरदान प्रदान किए। बाइबल में दो व्यक्तियों का जिक्र है, एक हनोक का और एक एलिया का, जिसे परमेश्वर ने शरीर समेत उठा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए विश्वासियों को इन वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, आप कैसे जानेंगे कि हम विश्वास करें तो किस पर करें, किस चीज पर करें? तो बाइबल हमें बताती है कि मुझे और आपको यह जो वचन दिया गया है यह विश्वास करना है कि यह परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर आज भी अपने लोगों से वचन के द्वारा बातें करता है, और उसका वचन जब बोला जाता है तो वहां पर लोग शांति प्राप्त करते हैं, सांत्वना प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में चंगाई आती है। इसलिए अपने उस ईश्वर को जानना जो जिंदा है, अपने उस ईश्वर को जानना जो जिंदा है, विडंबना है लोगों की आज के इस युग में कि वो कुछ विश्वास तो करते हैं, कुछ धर्म पर चलते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन जिस किसी परमेश्वर की आराधना करते हैं वो उसके विषय में नहीं जानते हैं, उसके विषय में जानते नहीं हैं। इसलिए आज प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि ये मेरे विषय में जाने, पहचाने और मुझे अनुभव करें, मेरे विषय में बाइबल से पढ़ें, और कहा कि तुम इन्हें बताओ कि परमेश्वर कितना महान है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखने की कोशिश करना, परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखने की कोशिश करना। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके घर के झरोखे में लाके रख दिया जाए और वहां रोज आप उसकी धूप बत्ती करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, वो ईंट पत्थरों के में नहीं रहता है, वो मनुष्य के हृदय में रहता है, और मनुष्य का हृदय बहुत बड़ा है। जब ये बड़ा होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब ये संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इतना छोटा हो जाता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें अपने बाप के लिए, माँ के लिए, किसी बहन या भाई के लिए भी जगह नहीं रहती है। सोचिए, ध्यान करिए, जरा मनन चिंतन करिए। इसलिए मसीहों की, विश्वासियों की सबसे बड़ी बपौती जानते हैं आप लोग क्या है? आपका सबसे बड़ा धन जानते हैं आप क्या है? ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का साथ जो है वो आपका सबसे बड़ा धन है, जिस पर आपको, मसीहों को, विश्वासियों को विश्वास करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप ईश्वर के विषय में जानेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। सुनना ध्यान से, जितना ज्यादा आप ईश्वर के विषय में जानेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपके जीवन में कृपा बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा कृपा आपके जीवन में रहेगी, अनॉइंटिंग आपके जीवन में रहेगी, उतनी आशीष आपके जीवन में देखने को मिलेगी। और जब आपके घर में आशीष होगी
तो आपके घर में जो आएगा, आपसे जो मिलेगा, वो भी आशीषित हो जाएगा। देखिए कितना महान है प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का प्रेम हमारे लिए। इसलिए बाइबल हमें बताती है, रोमियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है, कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता। मैं क्यों डरूंगा जब तू मेरे साथ है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, मूसा प्रभु के आज्ञा अनुसार पत्थर की वो दो पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतर कर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामयी तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वो हजार पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई अपराध और पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा कि प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। घर के मुखिया को, पति पत्नी को ये कहने की आवश्यकता है कि यदि मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे। आज की इस परेशानी में, आज की इस दुर्घटना में हमारा साथ देने की कृपा कर। महान चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलते हैं। विश्वास के विषय में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस एक सुंदर परिभाषा हमें बताता है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं परंतु हमें पता है कि वो हैं। मैं और आप उन्हीं चीजों को पाने के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए दो दो घंटे बैठकर आराधना करते, वचन सुनते, दान पुण्य करते, उपवास करते, प्रार्थना करते, परहेज करते, निवेदन करते, मध्यस्थता करते हैं, निवेदना पढ़ते हैं। क्यों? जिससे कि हम उस देश में चले जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जहां पर परमेश्वर की रूह का मस्सा हमेशा छाया रहता है, जहां पर हम महिमान्वित किए जाएंगे, जहां पर हम ईश्वर की मेज पर बैठकर भोजन करेंगे। यही हमारा विश्वास है। ये वो बातें हैं जिन्हें हम देखते नहीं हैं परंतु हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए रखी गई हैं। आज इसी विश्वास के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान कर रहे हैं और वो कहता है कि जो मुझ में विश्वास करेगा मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया।